राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का दूसरा दिन और गलवान के शहीद जवानों को वीरता पुरस्कार इस दौरान दिया गया। राष्ट्रपति भवन में रक्षा अलंकरण समारोह का आयोजन जो है वो किया गया है। ऐसे में इस समारोह का दूसरा दिन आज था। पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जो है वो इसमें शामिल हुए। इसके साथ ही साथ आपको बता दें कि इस सम्मान समारोह में गलवान के शहीद जवानों को वीरता पुरस्कार दिया गया। शहीद कर्नल बी संतोष बाबू को महावीर चक्र से सम्मानित किया गया। राष्ट्रपति कोविंद ने वीरता पुरस्कार से सम्मानित किया। हेड कांस्टेबल शहीद अब्दुल राशिद क्लास को कीर्ति चक्र से सम्मानित किया गया। उनकी पत्नी तस्लीमा बेगम अवार्ड लेते समय भावुक हुई। बलों के 18 फरवरी 2019 को वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक पुलवामा को पिंगलेना गांव में जैश ए मोहम्मद आतंकवादियों के समूह की बैठक की विश्वसनीय सूचना प्राप्त हुई, जिसमें वे फिदायिनी हमले की योजना बना रहे थे। आतंकवादियों के विरुद्ध ऑपरेशन की योजना बनाई गई और उसे सफल बनाने के लिए पुलिस और सुरक्षा बलों के 2 संयुक्त दलों का गठन किया गया। क्षेत्र की नाकाबंदी कर दी गई। जैसे ही दल ने लक्षित मकान की तरफ कूच किया तो आतंकवादियों ने अंधाधुंध गोलीबारी शुरू कर दी। विषम परिस्थितियों के बावजूद गोलीबारी के बीच बचाव दल ने लोगों को सुरक्षित निकालना जारी रखा और साथ साथ जवाबी हमला भी करते रहे। भारी गोलीबारी के दौरान सब इंस्पेक्टर आजाद अहमद, हेड कांस्टेबल अब्दुल राशिद कालस और कुछ सैन्य कार्मिकों को गंभीर चोटें लगी, परंतु वे अपने जीवन की परवाह किए बगैर नागरिकों को बचाते रहे। उसके पश्चात टीम ने तेज जवाबी गोलीबारी करके नियत समय में खूंखार आतंकवादियों को ढेर कर दिया। ऑपरेशन के दौरान हेड कांस्टेबल श्री अब्दुल राशिद कालस ने खूंखार आतंकवादियों से भिड़ने और मार गिराने में वीरता और अनुकरणीय अदम्य साहस का परिचय देते हुए राष्ट्र के लिए सर्वोच्च बलिदान दिया। स्वर्गीय श्री अब्दुल राशिद कालस की पत्नी श्रीमती तस्लीमा बेगम।